नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। लंदन ओलंपिक में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले मेडलिस्ट डोपिंग में फंसे, अब सोने में बदल सकता है योगेश्वर दत्त का कांस्य। योगेश्वर के डोप सैंपल का दोबारा होगा टेस्ट। भारतीय फुटबॉल टीम के पास रैंकिंग सुधारने का मौका, गुरप्रीत सिंह संधू को मिली टीम की कमान। मुंबई में प्यूर्टो रिको के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। पीवी सिंधु को अब महाराष्ट्र बैडमिंटन संघ करेगा सम्मानित, रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं पीवी सिंधु। समारोह में कोच गोपीचंद को भी किया जाएगा सम्मानित। यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे अमेरिका की सेरेना विलियम्स और ब्रिटेन के एंडी मरे। डेनमार्क की कैरोलिना वेज़नियास्की ने चौथे दौर में बनाई जगह। जापान के केई निशिकोरी ने रूस के कारेन खाचानोव को हराकर तीसरे दौर में बनाई जगह। भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा, विरोधी से तीन कदम आगे रहना ही मेरी सफलता का राज। भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं ज्यादा, क्योंकि इससे होती है दिमाग में उलझन। और इंटरनेशनल मैच में अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी की जोरदार वापसी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मुकाबले में उरुग्वे को हराया। मेसी ने गोल दागकर अर्जेंटीना का खाता खोला। ये तो ही खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।